उज्जैन आलोट संसदीय सीट से लोकसभा प्रत्याशी बाबूलाल मालवी ने नामांकन दाखिल करवाने के एक दिन पूर्व अपना मैनोफोलिस्ट मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद रैली के रूप में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल कराने पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी बाबूलाल मालविया ने आज मीडिया के सामने अपना मैनिफेस्टो रखा और बताया कि जो वादे भाजपा सरकार और उनके सांसदों ने क्षेत्र की जनता से किए थे और उन्हें पूरा नहीं किया, सबसे पहले उन पर अमल किया जाएगा। क्षेत्र में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, उसे भी उद्योग के माध्यम से जल्द दूर किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के माध्यम से मालविया ने कहा कि वे दिग्विजय सिंह के शासनकाल में विधायक होने के साथ मंत्री भी रहे हैं और उन्हें जनता के लिए काफी काम किया है। जनता उनके काम से खुश है और इस बार लोकसभा में भी उन्हें आशीर्वाद देकर जिताएगी। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता कमल चौहान ने बताया कि हजारों की संख्या में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद लोकसभा प्रत्याशी बाबूलाल मालविया रेल के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कोठी स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे, जिसके बाद एक विशाल आम सभा का आयोजन होगा जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। आज बड़ा पवित्र दिन है, भगवान महाकाल के पुत्र गणेश जी का दिन माना जाता है, तो यहाँ महाकाल भी और चिंतामण गणेश भी है। बुधवार के दिन हमारे प्रत्याशी ने फॉर्म भरा है, बड़ा शुभ दिन है और निश्चित रूप से हौसले के साथ हम कदम बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव हम निश्चित रूप से जीत के कांग्रेस की झोली में डालेंगे। जो चला गया उसे भूल जा, जो बचे हैं कार्यकर्ता जो ईमानदार है वो यहीं पे हैं और ईमानदार कार्यकर्ताओं की ज़रूरत ही हमें कांग्रेस को रहती है। जो चले गए वो परदेसी लोग, वो परिंदे चले गए, लेकिन जो परिंदे यहाँ पे हैं मैं समझता हूँ अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, अभी 3-3.5 महीने हुए हैं। और कर्ज माफ़ी की बात कमलनाथ जी राहुल गांधी ने करी थी, हमने कर्ज माफ़ किया किसान का, किसान की फसल का मूल्य अच्छा मिलने लगा है। भाजपा के ज़माने में 1 रुपये किलो प्याज बिकती थी, आज 10 रुपये किलो प्याज बिक रही है। लहसुन का भाव 5,000 से 7,000 रुपये क्विंटल हो गया, जो 700-800 बिकता था। हमारी सोयाबीन जो इन्होंने 2100-2200 में बेचे, आज 4,000 के ऊपर बिक रही है। तो ये हमारी नीति है जिससे किसान लाभान्वित हो रहा है, ये देश और ये प्रदेश किसानों का है, नौजवान के हाथों को भी काम दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये नहीं, मेरा अनुरोध मीडिया के साथियों से है, एक साजिश का शिकार इस मध्य प्रदेश को बनाया जा रहा था, कांग्रेस की सरकार को साजिश का शिकार बनाया जा रहा था। पिछले 4 दिनों में जिन अधिकारी कर्मचारियों ने इस तरह का वातावरण बनाया, जिनके इलाके में बार बार लाइट गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो जब तक भय का वातावरण नहीं बनेगा, अभी लोग क्या सोचते हैं कि अरे अभी तो कांग्रेस की सरकार है क्या होगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सरकार 5 साल चलने वाली है और कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता के नेतृत्व में पूरे 5 साल चलेगी, दमदारी से चलेगी। और वो अधिकारी कर्मचारी जिन्हें भाजपा का स्वाद लग गया मुँह को, उन लोगों को निश्चित रूप से दंड भोगना पड़ेगा। नहीं, मैंने अपने कार्यकर्ताओं पर चिल्लाया कि सब पीछे हो जाओ, क्योंकि हमें डिसिप्लिन अनुशासन में रहना है, इसलिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को रोका कि सारे लोग यहाँ रुक जाओ और मैं जाके अपने प्रत्याशी का फॉर्म भरा। देखिए इस समय मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में अंडर करंट है कांग्रेस की वो योजनाएं जो देशवासियों को लाभान्वित कर रही हैं, निश्चित रूप से उनका असर हो रहा है, न्याय योजना का ज़बरदस्त असर है। तो मैं समझता हूँ कि 29 में से हम 16-17 सीट जीतेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है उज्जैन में, उसको उजागर करना और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए करवाना।